जी हाँ, मैं इस बार जा रहा हूँ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। एक्चुअली ईरान का जो वीज़ा है बहुत ज़्यादा इजी है, बट एक छोटा सा ट्विस्ट है, और सेम डे ही मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया और एक घंटे के बाद फ्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। तो अब मैं जा रहा हूँ फ्लाइट को बोर्ड करने। सो गाइस, फाइनली वेलकम टू ईरान। मैं ईरान में पहुंच चुका हूं, तो आप देख सकते हो ईरानियन हॉस्पिटैलिटी पहले दिन ही एयरपोर्ट पे पैर रखते ही। यहां पे टैक्सी के वेट कर रहे हैं, सीधे इनके घर जाएंगे। ये हम लोग बाहर मेन रोड पे आ चुके हैं, कई सारी टैक्सीज यहां पे लगी हुई है। भाई ठंडी बहुत ज्यादा है, बैटरी तो बहुत जल्दी खत्म हो रही है। मेरे को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं ईरान में हूँ। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम है तोरवशु, और जैसे कि आप लोगों को मेरे इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल से पता चल रहा होगा कि मैं इस बार कौन सी कंट्री जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं इस बार जा रहा हूँ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ईरान उन चुनिंदा देशों में से एक है जहाँ पर इनिशियल फेज में ही कोविड ने तबाही मचाई थी, और फाइनली अब जाकर आफ्टर 20 मंथ्स ऑफ फर्स्ट केस ऑफ कोविड ईरान टूरिज्म के लिए ओपन हुआ है। और हम लोग, मेरे साथ एक यूट्यूबर और भी, एक ट्रैवलर और भी हैं, तो वी आर अमंग द फर्स्ट इंडियंस ट्रैवलर्स जो ईरान जा रहे हैं। तो मैं मॉन्टीनिग्रो से वापस अल्बेनिया आने के बाद, मैं काफ़ी दिन अल्बेनिया में था। मैंने अल्बेनिया एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया, उसका नॉर्थ भी साउथ भी। बहुत अच्छे लोगों से मैं मिले, वरुण भाई से मैं मिला और भी बहुत सारे लोगों से मैं मिला, बट मैंने अल्बेनिया में कहीं भी व्लॉगिंग नहीं करी। उसके लिए मैं आप सब लोगों को सॉरी बोलता हूँ दिल से कि मैं अल्बेनिया में व्लॉगिंग नहीं करी, उसका व्लॉग्स नहीं आएगा। और फिर जब मैं अल्बेनिया में था तो उसके बाद कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अगली कंट्री कहाँ जाऊँ। जहाँ जा सकते थे उसकी फ़्लाइट टिकट बहुत कॉस्टली थी, और जहाँ की फ़्लाइट टिकट ठीक ठाक थी वहाँ जा नहीं सकते थे, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। अचानक से न्यूज़ आई कि फाइनली 20 मंथ्स के बाद ईरान एज अ टूरिज्म ओपन हो चुका है, तो फटाफट मैंने सेम डे मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया, और सेम डे ही मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया। मतलब मेरे को बिलीव नहीं हुआ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लाइफ में कभी ईरान भी जाऊँगा। उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पूरे एक महीने के लिए मैं ईरान जा रहा हूँ, मिनिमम एक महीने के लिए, तो बहुत ही अच्छी सीरीज़, बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को शॉर्ट में मैं ईरान का वीज़ा और ईरान की फ़्लाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ। एक्चुअली ईरान का जो वीज़ा है बहुत ज़्यादा ईजी है, बट एक छोटा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आप लोगों को पहले इसको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, जो कि बहुत ईजी है, और आप लोगों को अपनी पासपोर्ट डिटेल और फ़ोटो के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, शायद होटल बुकिंग भी चाहिए, जो कि मैंने हॉस्टल वर्ड से कर ली थी, क्योंकि booking.com पे ईरान में कोई भी होटल या हॉस्टल अवेलेबल नहीं है। और जैसे ही मैंने ईरान का वीज़ा अप्लाई किया, सेम डे अप्रूवल आ गया। सेकेंड प्रोसेस क्या, जो मैंने आप लोगों को बताया, इसमें छोटा सा ट्विस्ट है, आप लोगों को वर्ल्ड की कोई भी ईरान की एम्बेसी जाना पड़ता है वीज़ा को रिसीव करने के लिए। तो मैं अल्बेनिया की कैपिटल तिराना में था, और तिराना में ईरान की एम्बेसी भी है। तो मेरा जब अप्रूवल आ गया, तो मैं नेक्स्ट डे ईरान की एम्बेसी गया। उन्होंने 5 मिनट के अंदर मेरे को ईरान का वीज़ा प्रिंट आउट करके दे दिया। ईरान की जो वीज़ा फ़ीस है वो है सिर्फ और सिर्फ 60 यूरो, यानी कि कितना हो गया, आई थिंक शायद 5100 रुपीज़ के आसपास हुआ। और दूसरी खास बात ये है कि ईरान का वीज़ा आप लोगों को पासपोर्ट में उन लोग पेस्ट करके नहीं देते हैं, एज अ पेपर वीज़ा देते हैं प्रिंट आउट करके, और आप लोगों के ईमेल पर भी आपका अप्रूवल वीज़ा आ जाता है जब आप एम्बेसी विजिट कर लोगे। तो आई थिंक आप लोगों को ईरान के वीज़ा का प्रोसेस पता चल चुका होगा। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैं अभी हूँ इस्तांबुल के सबिहा गोकचन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जो कि टर्की में आता है, और ये मेरी फ़्लाइट है तिराना से तहरान की। तहरान जो है वो ईरान का कैपिटल है और सबसे बड़ी सिटी है ईरान की। और इस फ्लाइट में मेरा 18 घंटे का लेओवर है इस्तांबुल में। तो मैं पिछले 16-17 घंटे से इस्तांबुल के एयरपोर्ट पे ही हूँ। 1-2 घंटे में मेरी फ़्लाइट है, और ये पूरी फ़्लाइट मेरे को पड़ी है 15,000 रुपये की, और पेगासस एयरवेज़ की फ़्लाइट है, जो कि टर्की की लो कॉस्ट कैरियर है। और आप लोगों में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे ईरान का मतलब होता है द लैंड ऑफ आर्यंस। और 1935 में, यानी आज से 86 ईयर्स पहले, ईरान ने अपना नेम चेंज किया था फ्रॉम पर्सिया टू ईरान। बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ साल पहले ही ईरान को पर्सिया नाम से जाना जाता था, बुलाया जाता था। और 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद फाइनली इस कंट्री का ऑफिशियली नाम पड़ा है द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। तो अभी रात के 10 बज रहे हैं, और 1 घंटे के बाद फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। रात में 12 बजे की फ़्लाइट है, और लगभग 3 बजे के आसपास मिडनाइट हम लोग ईरान पहुँच जाएंगे। 2.5 घंटे की फ़्लाइट है, और इंडिया और ईरान का जो टाइम डिफरेंस है वो 2 घंटे का है। ईरान इंडिया से 2 घंटे पीछे है, या इंडिया ईरान से 2 घंटे आगे, आप ऐसा बोल सकते हो। तो गाइस ये देखो, तहरान की फ़्लाइट है IK एयरपोर्ट की, 11:45 की है, और गेट अनाउंस हो गया है 302B। तो चलते हैं फिर गेट की तरफ। तो गाइस अपने गेट नंबर 302B के पास आ चुके हैं, और थोड़ी देर में बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है।
काफ़ी लोग भी आ चुके हैं, देख सकते हो, और भी कई सारे गेट्स हैं यहाँ पे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, मेरे साथ एक ट्रैवलर और भी हैं, तो आप में से बहुत लोग इनको जानते होंगे, शायद जानते ही होंगे, अगर ज़्यादातर लोग वैसे मेरे को ना वैसे जानते हैं, आप भी तो जानते ही हो, कैसे जानते हो मुझे भाई मुझे जानते हैं यूक्रेन डिपोर्टी के नाम से, क्योंकि मेरा जो पहला वीडियो जो मैं लाइमलाइट में आया था, लोगों को पता लगा था कि एक इंटरनेशनल ट्रैवलर है, तो वो यूक्रेन से आया था, वहाँ से डिपोर्ट तो नहीं डिनाइल किया गया था, नाम रख दिया लोगों ने मेरा कि भाई डिपोर्ट हो गया। तो मेरे चैनल का नेम है सोल रोवर, और लास्ट 1.5 साल से मैं भी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग। इंडिया में ट्रैवलिंग पहले काफ़ी टाइम से करता था, लेकिन इंटरनेशनल ट्रैवलिंग अभी 1.5 साल से स्टार्ट की है। तूर्वशु भाई को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, और पहले भी इंस्टाग्राम पे काफ़ी बात होती रही है, वही जब आप डिपोर्ट हुए थे, हाँ तभी से शुरू हुई थी, बस आप भी वहीं से जाने हो मुझे। अल्बेनिया में भी काफ़ी टाइम हमने साथ में बिठाया, काफ़ी टाइम अल्बेनिया में याद है कि पहला दिन अल्बेनिया पहुँचा था, मैं सीधा भाई के हॉस्टल में पहुँचा, और उसके बाद फिर वहाँ पे हमारे को वरुण भाई मिले, और भी एक दो ब्लॉगर्स मिले, नोमैडिकर मिला, बहुत ट्रैवलर्स मिले, बहुत ब्लॉगर्स मिले। तो मोंटीनेग्रो के पास सीधे आप मेरी ईरान की सीरीज शुरू होगी साथ में, मतलब जा साथ में रहे हैं, उसके बाद वहाँ से हम अलग 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 तरीके का कंटेंट दिखाएंगे आपको, इनका दिखाने का तरीका अलग है, मेरा दिखाने का तरीका अलग है। तो भाई के चैनल का नाम है सोल रोवर, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हो, इनका चैनल देख सकते हो। हम लोग साथ में ईरान जा रहे हैं, बट तेहरान पहुँचने के बाद हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, साथ में ट्रैवल नहीं करेंगे, तो हम दोनों का कंटेंट आप लोगों को बहुत ही अलग मिलने वाला है। फ्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, और काफ़ी सारे लोग हैं जो इस्तांबुल से तेहरान जा रहे हैं, देख सकते हो। तो अब मैं जा रहा हूँ फ्लाइट को बोर्ड करने, और अब मैं ईरान पहुँच के जो तेहरान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ मैं कुछ भी ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट के अंदर अलाउड है नहीं, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है। तो अब मैं आप लोगों को सीधे तेहरान सिटी में मिलूँगा, तेहरान एयरपोर्ट के बाहर। वेलकम टू द कंट्री ऑफ ब्लड वॉर न्यूक्लियर एंड सैंक्शन, कुछ ऐसा सबसे पहला मैसेज आया मेरे होस्ट का इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से। ईरान का नाम सुनते ही कुछ ऐसा ख्याल आता है हम सबके मन में, ऐसा होते हुए भी मैं ईरान पहुंचा इस देश को घूमने, बहुत नजदीक से देखने और जानने के लिए। क्या ऐसा कुछ वाकई है जो दुनिया नहीं जानती, जो मीडिया नहीं दिखाती, ये सब जानने के लिए आपको ये मेरी पूरी ईरान की सीरीज देखनी होगी। सो गाइस, फाइनली वेलकम टू ईरान, मैं ईरान में पहुंच चुका हूं, अभी मैं ईरान की कैपिटल तेहरान में हूं। इमिग्रेशन हो चुका है, बहुत स्मूथ इमिग्रेशन था, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, सिर्फ ई वीज़ा चेक किया, कहा ओके गो, पासपोर्ट उस टाइम वगैरह कुछ नहीं किया है। ये भाई मेहंदी भाई हैं, I don't know what this is saying, but I think you are speaking Indian. Indian, yeah, Indian language. I don't know Indian, but welcome to Iran. Thank you bro, thank you. You're welcome. Mamnoon. You're welcome. तो अभी मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूँ, और बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, सुबह के 4 बज रहे हैं, 3 बजे फ्लाइट लैंड हो गई थी, 3:15, और ये मेरे होस्ट हैं यहाँ पे तेहरान में, इनसे मेरी कल परसों ही बात हुई, और एक दो दिन पहले इनसे मेरी बात हुई, एक दो दिन पहले हम लोग इनको जानते नहीं थे, और ये आधी रात को 3 बजे मेरे को एयरपोर्ट रिसीव करने आए हुए हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर, वेलकम। तो अभी हम लोग यहाँ पे टैक्सी के वेट कर रहे हैं, सीधे इनके घर जाएंगे। यहाँ पर मेट्रो भी है जो कि एयरपोर्ट से सिटीज अंडर जाती है, लेकिन वो मॉर्निंग में, एट व्हाट टाइम मेट्रो स्टार्ट्स? Around 7, I think. Yeah, 6 or 7, I think. Yeah. तो आप देख सकते हो Iranian hospitality, पहले दिन ही एयरपोर्ट पे पैर रखते ही ये है amazing Iranian hospitality. I think I understood some words. Understand. Because there are many words which are common in Hindi language and Farsi language. And many cultures, I think. Yeah, many culture, many tradition. We will see. Yeah. We will see. तो guys, बहुत ज़्यादा मैं यहाँ vlogging नहीं करूँगा, क्योंकि थोड़ा restricted area है, फिर टैक्सी या फिर इनके घर पहुंच के ही करता हूं। इमाम खोमानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है IKIA एयरपोर्ट, ये हमारे सोल रोवर भाई। वेलकम टू ईरान गाइस। तो आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तेहरान का, अंदर तो और भी ज़्यादा खूबसूरत था, अंदर तो रिकॉर्डिंग में कर नहीं पाया, बाहर का देख सकते हो कितना ज़्यादा इसका ब्यूटीफुल एक्सटीरियर रही है। कि मेरे पीछे आप लोगों को इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिख रहा है, उसकी ये मेन बिल्डिंग है, देखो आप लोग, बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही अलग टाइप का इसका आर्किटेक्चर है, देखो आप इस एयरपोर्ट का। ये हम लोग बाहर मेन रोड पे आ चुके हैं, कई सारी टैक्सीज यहाँ पे लगी हुई है। तो ये हमारे होस्ट टैक्सी बुला रहे हैं। ओह, ही इज़ वेटिंग, द सेम ड्राइवर? So same taxi which you came? Yeah. Okay. This guy. Okay, amazing. I don't know his name, but he's a cool guy. Cool guy, huh? Yeah. Come here. Kala nazara. So temperature abhi 5 degree ke aas paas hai.
और मेरे कैमरे की बैटरी बहुत तेज़ी से कम हो रही है टेम्परेचर कम होने की वजह से. Yeah, it's very cold. In the room if you want. Okay, yeah. Feel free. No, this yeah. place as your home. So guys, अपने होस्ट के घर आ चुके हैं और मेरे को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं ईरान में हूँ. लगभग एक घंटे लगे एयरपोर्ट से यहाँ पर आने में. 45-50 किलोमीटर का डिस्टेंस था तेहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिटी सेंटर का. बाहर इतनी ज़्यादा ठंड थी, जैसे हम लोग अंदर आए बहुत ज़्यादा गर्म था यहाँ पे. सो दिस अ वार्मर तो इस हीटर से पूरा घर एकदम परफेक्ट टेम्परेचर पे है. काफी गर्म है घर. इट वर्क्स विद गैस. या दैट्स ऑल. हाउ डज इट वर्क्स विद गैस? या गैस सिलेंडर. गैस? नो, इट्स अ पाइपलाइन. या द लाइंस फ्रॉम द सिटी. या इट्स अ पाइपलाइन. दिस पाइपलाइन. या ओके. एंड द सेम पाइपलाइन गोस टू द किचन एज वेल. या ऑफ कोर्स. सो गाइस, सुबह के 5 बज चुके हैं और हम लोग काफी टाइम से सोए भी नहीं है और पूरे घर में लोग सामान रख के सेटल हो चुके हैं और मेहंदी भाई को मॉर्निंग में जॉब के लिए भी जाना है. तो थोड़ी देर में सोते हैं फिर देखते हैं कल तक क्या प्लान है. कुछ नहीं पता है. आप लोगों से बहुत कुछ बातें बतानी है, शेयर करनी है ईरान के बारे में. तो भाई ने ये घर की चाबी दे दी है यहाँ पे. तो जहाँ भी जाना है जो भी करना है हम कर सकते हैं आराम से इंडिपेंडेंटली. कोई प्रॉब्लम नहीं है. योर हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल. इट्स योर होम. तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा प्यारा घर है इनका. कितनी प्यारी कारपेट है. वेरी ब्यूटीफुल कारपेट. हाँ, इरानियन कारपेट. या चलिए गाइस, आप लोगों को फिर कल मॉर्निंग मिलते हैं. देखते हैं क्या प्लान है. ओके, बाय.